दोस्तों, पेट्रोल या डीजल से चलने वाली गाड़ियों को स्टार्ट करने में बैटरी का मेन रोल होता है। मगर बैटरी न होने पर गाड़ी को धक्का मार के स्टार्ट किया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने से गाड़ी में लगा चेतावनी लाइट बिल्कुल काम नहीं करेगा। इसीलिए आज हम आपको बैटरी का फैक्ट्री टूर घुमाकर बैटरी का फुल जानकारी देंगे, ताकि आपका बैटरी कहीं खराब हो तो आप अपने गाड़ी को स्टार्ट कर सके, और उसके साथ साथ स्प्रे पंप का भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो नंबर पहले पर आता है एसिड बैटरी मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, मार्केट में बहुत सारी कंपनियों की बैटरी उपलब्ध है जिसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लगभग सेम ही होता है। उन्हीं में कुछ बैटरी जल्दी खराब हो जाती हैं, तो कुछ सालों साल चलती हैं। तो चलिए आज हम बैटरी की सटीक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाएंगे जो लंबे समय तक खराब नहीं होती। उससे पहले हमें यह समझना होगा कि बैटरी आखिर काम कैसे करता है। तो चलिए इसके वर्क को 3D एनिमेशन से समझते हैं। वैसे बैटरी में दो प्लेट होते हैं जो कि सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर के घोल में डूबी होती हैं, जहां पहला प्लेट लेड डाइऑक्साइड का होता है जिसे पॉजिटिव प्लेट कहते हैं, और दूसरा प्लेट प्योर लेड का होता है जिसे नेगेटिव प्लेट कहते हैं। दोस्तों, दोनों प्लेट जब सल्फ्यूरिक एसिड में होते हैं तब इनमें केमिकल रिएक्शन होता है, जहाँ सल्फ्यूरिक एसिड का SO4 H2 से अलग होकर प्योर लेड और लेड डाइऑक्साइड के प्लेट पर बैठ जाते हैं, जिस कारण इन दोनों में रिएक्शन होने लगता है, और फिर लेड प्लेट से दो इलेक्ट्रॉन निकलकर टर्मिनल में इकट्ठा हो जाते हैं। और जब इन दोनों के बीच कोई सर्किट लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन लेड से लेड डाइऑक्साइड के प्लेट में चले जाते हैं, जिस कारण लेड डाइऑक्साइड प्लेट अपने दोनों ऑक्सीजन को फ्री कर देता है, और फ्री हुए ऑक्सीजन SO4 से अलग हुए H2 से कंबाइन हो जाते हैं, जिस कारण H2O बन जाता है। दोस्तों, H2O का मतलब पानी होता है। जब हम बैटरी से करंट लेने के लिए कोई अप्लायंस लगाते हैं तो ये प्रोसेस फास्ट हो जाता है, जिस कारण बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है। दोस्तों, जब बैटरी पूरी तरह डिस्चार्ज हो जाती है तो बैटरी में केवल H2O यानी पानी बचता है, और इन दोनों प्लेट पर SO4 का लेयर जमा हो जाता है। फिर इसे हम दुकान में भेज कर दोबारा चार्ज करते हैं। दोस्तों, हमने इसका वर्किंग प्रोसेस तो देख लिया, चलिए अब इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखते हैं। वैसे इसे बनाने के लिए सबसे पहले इसके बॉडी को बनाते हैं, जिसके लिए मोल्डिंग मशीन में प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स को डालकर बैटरी बॉडी का शेप देते हैं, और इसे रोबोटिक आर्म से बाहर निकालकर एक वर्कर द्वारा चेक करते हैं ताकि इसमें कोई लीकेज ना रहे। अब बारी आती है बैटरी में लगने वाली प्लेट को बनाने की, जो एसिड के संपर्क में आकर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल देती है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले लेड इंगोट को एक भट्टी में डालकर 400 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं। फिर इस पिघले हुए लेड को ऑटोमेटिक मोल्डिंग मशीन में डालकर जालीनुमा प्लेट का शेप देते हैं, और रोलर मशीन से पास करके पतला करते हैं ताकि सभी जालियों का मोटाई सेम रहे। अब बारी आती है टर्मिनल को बनाने की, जिसके लिए लेड इंगोट को दूसरे भट्टी में डालकर पिघलाते हैं। फिर इसे एक पतले रास्ते से भेजकर घूमती हुई चक्री में डालते हैं, जिस पर छोटे छोटे खांचे बने होते हैं, और उसमें लिक्विड को भरकर ठंडा करते हैं, जिससे टर्मिनल पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। अब इसे क्लीन करने के लिए क्लीनिंग मशीन में डालकर सैंड के साथ 10 मिनट तक मिक्स करते हैं, जिससे टर्मिनल पर लगा एक्स्ट्रा पार्ट रिमूव हो जाता है, और ये चांदी की तरह चमकने लगता है। अब बारी आती है प्लेट पर लगने वाले पेस्ट को बनाने की। दोस्तों, बैटरी में इन्हीं पेस्ट और एसिड के रिएक्शन से करंट उत्पन्न होता है। तो इस पेस्ट को बनाने के लिए ग्रे लेड ऑक्साइड को मिक्सर मशीन में डालकर उसमें बेरियम सल्फेट को डालते हैं, और अच्छे से मिक्स करके पेस्ट को तैयार करते हैं। अब तैयार हुए पेस्ट को हुपर में डालते हैं, और नीचे से ग्रिड को कन्वेयर बेल्ट से आगे भेजकर पेस्टिंग मशीन द्वारा पेस्ट को लगाते जाते हैं। फिर इसे हीटर मशीन से क्रॉस करके अच्छे से सुखाया जाता है, और लास्ट में एक वर्कर द्वारा सभी प्लेटों को इकट्ठा करके एक जगह रखते हैं, और फिर एक जाली नुमा कैरेट में एक एक करके सभी प्लेटों को रख कर इसमें सल्फ्यूरिक एसिड को डालते हैं। अब इसे सल्फ्यूरिक एसिड से नहला देने के बाद ड्राइंग प्रोसेस के लिए दूसरे यूनिट में भेजते हैं, जहाँ इसे 4 दिन तक रख कर सुखाया जाता है। दोस्तों, इसे करने का कारण ये है, जैसे घर का लिंटर होने के बाद छत पर पानी से तराई किया जाता है ताकि सीमेंट और सरिये का पकड़ मजबूत हो, वैसे ही ग्रिड पर पेस्ट का पकड़ मजबूत करने के लिए हम इसे सल्फ्यूरिक एसिड में डालकर सुखाते हैं। अब बारी आती है सेपरेटर को बनाने की, जो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट को अलग रखता है, जिसे शॉर्ट सर्किट का खतरा नहीं रहता। तो इसे बनाने के लिए पॉलीइथाइलीन और पॉलीप्रोपाइलीन से बने शीट को मशीन में डालकर
पर ग्लू लगाते हैं और रोलर से पास करके ग्लू को पूरे सीट पर फैला लेते हैं। अब आगे लगी कटिंग मशीन से पतले पतले पीस में कटिंग करके दूसरे मशीन में डालते हैं, जहाँ छोटे छोटे पीस में काटा जाता है। अब सभी सेपरेटर को मशीन से निकाल कर असेंबलिंग यूनिट में भेजते हैं, जहाँ एक वर्कर द्वारा पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट को अल्टरनेट वे में रखते हुए बीच में सेपरेटर डालते जाते हैं। दोस्तों इसमें 9 पॉजिटिव प्लेट और 10 नेगेटिव प्लेट होता है, यानी एक सेल 19 प्लेट के कॉम्बिनेशन से बना होता है। अब सभी सेल को डाई में डालकर वेल्डिंग यूनिट में भेजते हैं, जहाँ इन्हें अच्छे से लॉक करके साइड में 2 पॉइंटिंग रॉड लगाकर बाकी के सेल में स्ट्रिप बिस्किट को लगाते हैं और फिर वेल्डिंग करके सभी टर्मिनल को जोड़ देते हैं। अब सेल को बाहर निकाल कर डाई से अलग करते हैं। अब बारी आती है बैटरी असेंबलिंग की, जिसके लिए बैटरी बॉडी को कन्वेयर बेल्ट पर रखकर होल पंचिंग किया जाता है, ताकि सभी सेल कनेक्टर को एक दूसरे से जोड़ा जा सके। फिर सभी सेल को बैटरी बॉडी में लोड किया जाता है। अब सभी सेल का टेस्टिंग करके स्ट्रिप वेल्डिंग मशीन द्वारा सेल के कनेक्टर को जोड़ा जाता है, फिर इसे कन्वेयर बेल्ट से आगे भेजकर टर्मिनल पर रेड कवर लगाते हैं। दोस्तों कनेक्टर का वेल्डिंग सही हुआ है नहीं उसे चेक करने के लिए एक वर्कर द्वारा शॉर्ट सर्किट टेस्टिंग किया जाता है, जहां बल्ब जलने पर बैटरी को सही घोषित कर दिया जाता है। अब बैटरी को क्लोज करने के लिए कैप लगाकर सीलिंग मशीन में भेजते हैं, जहां ऑटोमेटिक मशीन द्वारा कैप को हटाकर बैटरी के टॉप हिस्से को हीट किया जाता है और फाइनली कैप लगाकर बैटरी को सील कर दिया जाता है। अब बैटरी में कोई लीकेज तो नहीं उसे चेक करने के लिए एक वर्कर द्वारा बैटरी में एयर प्रेशर देकर मीटर में चेक किया जाता है। फिर अगले स्टेप में बैटरी के आउटर पोल को बड़ा करने के लिए उनपे सर्कुलर मोल्ड रख कर लेड को पिघलाते हैं और कुछ समय बाद जब ये सूख जाते हैं तो इनके मोल्ड को निकाल कर आउटर पोल को तैयार कर लेते हैं। अब बैटरी के सभी होल में सल्फ्यूरिक एसिड डालकर फुल किया जाता है। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि बैटरी तैयार है, लेकिन नहीं। अब इसे चार्जिंग रूम में भेजकर बैटरी को चार्ज किया जाएगा, ताकि बैटरी के इलेक्ट्रॉन एक्टिव हो जाएं और आपके गाड़ी में लगने पर बैटरी काम करने लगे। अब इन बैटरी के होल में कैप लगाकर पैकिंग यूनिट में भेजते हैं, जहां बैटरी को एक बड़े से बॉक्स में डालकर ऊपर से फोम लगाते हैं और वारंटी पेपर डालकर बॉक्स पर टेप लगा देते हैं, जिससे बैटरी पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। तो दोस्तों हमारा न्यू ब्लॉग चैनल आ गया है, जहां हम अपना डेली रूटीन शेयर करते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके सभी वीडियो को वॉच कीजिए, क्योंकि उस चैनल पर गिव अवे होने वाला है जिसमें आपको बहुत सारे गिफ्ट दिए जाएंगे। अब नंबर दूसरे पर आता है हैंड स्प्रे पंप मेकिंग प्रोसेस। वैसे दोस्तों कृषि के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक मशीनें आ गई हैं, जिस कारण हम पुराने मशीनों को भूलते जा रहे हैं। उन्हीं मशीनों को याद दिलाने के लिए आज हम हैंड स्प्रे पंप का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लाए हैं। तो इसे बनाने के लिए प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स को दूसरे फैक्ट्री से मंगा कर मिक्सर मशीन में डालते हैं और फिर येलो कलर का घोल बनाकर मिक्सर मशीन में डालते हैं। अब मशीन को क्लोज करके 15 मिनट तक घुमाते हैं, जिससे प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स येलो कलर का हो जाता है। अब बारी आती है टैंक को बनाने की, जिसके लिए तैयार हुए ग्रैन्यूल्स को मोल्डिंग मशीन में डालकर मशीन को क्लोज करते हैं, जहां ये मशीन प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स को पिघला कर स्प्रे बॉडी का शेप देती है और इस टैंक पर लगे एक्स्ट्रा पार्ट को कटिंग करके अच्छे से क्लीन करते हैं। फिर अगले स्टेप में स्प्रे पंप के ऊपरी वाले हिस्से को भी मोल्डिंग मशीन से तैयार करते हैं और इसके एक्स्ट्रा पार्ट को कटिंग करके एकदम स्मूथ बनाते हैं। अब इन दोनों पार्ट को जोड़ने के लिए सीलिंग मशीन से ऊपरी हिस्से को हीट देकर नरम करते हैं और दोनों को एक साथ दबाव देकर अटैच कर लेते हैं, जिससे आपका टैंक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। अब इस पर कंपनी का नाम लिखने के लिए स्क्रीन पेंटिंग मशीन पर कलर डालकर कुछ इस तरह फैला लेते हैं, जिससे टैंक पर नेम प्रिंट हो जाता है। अब बारी आती है असेंबलिंग की, जिसके लिए टैंक में एयर चैम्बर लगाकर अच्छे से टाइटली कसते हैं, फिर इसे छिड़काव करने के लिए हैंडल असेंबल करके पिन वगैरह लगाते हैं और एयर चैम्बर से होज पाइप कनेक्ट करके क्लच में लगाया जाता है। फिर इसे पॉलीथीन में डालकर बॉक्स में पैक करते हैं और ऊपर से टेप लगाकर स्प्रे पंप को पूरी तरह तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको इन दोनों वीडियो में किस चीज का मैन्युफैक्चरिंग सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।